नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सेना, वेटरन्स, सभी धर्म के धर्म गुरुओं और शहर वासियों के साथ निकाला फ्लैग मार्च और भर दी लोगों में देशभक्ति की भावना। साथ ही साथ तिरंगा यात्रा को देखकर नोएडा के लोगों में जश्न का माहौल बन गया। इस तिरंगा यात्रा में नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और नोएडा पुलिस एवं हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय और सिख धर्म समुदाय के लोगों का काफी सहयोग देखने को मिला। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि ऐसी विशाल तिरंगा यात्रा नोएडा में पहली बार निकाली गई है। नोएडा से ब्यूरो चीफ अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। पहली बार ऐसा यहाँ कार्यक्रम देखा जिसमें इन्होंने अपना जोश और आलोक जी ने जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और जिस प्रकार का जोश यहाँ के धर्मगुरुओं में, बाकी लोगों में, वो हम लोग तो बहुत ही सही है, उसमें बड़ा अच्छा प्रभाव पैदा किया गया। और हम लोग क्या कहते हैं, जोश के लिए आलोक जी, वो भी इससे सराहनीय है। एक छोटा सा संदेश सत्य यात्रा में संदेश यही है कि पूरे भारतीय में हम लोग की एकता होनी चाहिए, एक दूसरे भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि रहें जिससे मन मुटाव हो, क्योंकि भारत देश हम सभी का देश है। तो यही मैं है, सब लोग मिलकर रहें, खुश रहें और खुशहाल। थैंक यू। आपने प्रतिभाग किया है, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? क्या क्योंकि हमें पुलिस की बात का भी पूरा शहर कहा, बहुत अच्छा लगा, हमें प्राउड फील हुआ इन सबके साथ। हमारे सभी समाज के सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं कहती हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा हमें लगता है। हिंदुस्तान में हमारे वैसे ही बहुत प्यार मोहब्बत है, हमेशा बनी रहे, मैं तो इसमें कामना करूँगा। और क्या क्या कुछ संदेश देंगे तिरंगा यात्रा के दौरान? आज तिरंगा हमारा सबसे ऊँचा रहने वाला हमारे घर। संदेश देना चाहेंगे कि हमेशा सभी धर्म के साथ मिलकर रहे, ऐसे ही सब बना रहे, सभी का प्यार हमारे यहाँ का सभी यही बन रहे। ठीक लग गया। ये तिरंगा यात्रा इसका एक संदेश है कि हम सभी आदिवासी हमारे ये सब ये जो लिए एक परिवार है, आपके सबके लिए संदेश है, चाहते हैं किसी भी किसी से हमारा भारत देश एक है, इसके भारत भूमि में मसला मिला है। इन सबके संदेश है पूरे को होकर के आज एक तिरंगा लहराया गया है, तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसके माध्यम से हमें यही कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रेम रखें और सबके लिए बात करें, यही हमारा संदेश है। ठीक है, यही क्या कुछ संदेश देंगे आप? मेरा संदेश ये है, आज पहली बार 40 साल का मेरा उम्र हो रहा है, इतिहासी जो ये यात्रा निकाला गया, मैं इस यात्रा के माथे से कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर दो बार हमारा दिल रोता है, एक बार जब हमारा जवान बॉर्डर पे शहीद होता तब हम रोते हैं, दूसरा जब हमारे अच्छे अधिकारी जब हम नोएडा क्षेत्र में आते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो जब चले जाते हैं तो हम उस टाइम भी रोते हैं। ऊपर वाला का शुक्र है, नोएडा क्षेत्र के अंदर इस वक्त इतने अच्छे अधिकारी दिए हैं हमारे प्रशासन ने, जिसके वजह से हम दिल में एक खुशी महसूस करते हैं और सभी देशवासियों को एक संदेश दे रहे हैं कि सभी भाई मिलजुल कर अपने देश के लिए और देश हित के लिए तरक्की और काम करें, ताकि हमारा देश का नाम हो। वंदे। स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव में हम लोग आज यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा हम लोग निकाली, जिसमें सभी हमारे सैन्य बल, हमारे रिटायर्ड धर्मवीर, सभी धर्मों के प्रतिनिधि, धर्मगुरु, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, छोटे छोटे बच्चे और आप सभी ने उसमें भागीदारी की। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था, स्वयं आप सभी ने देखा है। और जो तिरंगे की भावना है हाथों से सबके दिलों तक उतर, इसी मैसेज को लेकर हम लोग अगर तिरंगा आज सड़कों पर निकले और जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ सभी के मन में अपने तिरंगे के प्रति आदर भाव देखा और
एक मिनट सर, एक मिनट।